और वहीं बरेली में महिला की निर्मम हत्या, तेजाब डालकर कर दी गई, महिला को जिंदा जलाया गया। महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया है। वारदात इलाके में सनसनी मच गई है। मृतक महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सीपीगंज थाना क्षेत्र के संध्या गांव का ये मामला है, जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया, तेजाब से उसको जलाया गया। हालांकि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो पहले धारदार हथियार से गले पर वार किया गया, तेजाब से भी महिला को जलाया गया है। और मृतक महिला कौन है, कहां से आई है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। यानी कि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ना सिर्फ धारदार हथियार से वार किया गया, जबकि तेजाब से भी जलाया गया। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? आपको बता दूं, जो महिला है उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। काफी जो मौके पे संघर्ष के निशान भी मिले हैं, उसकी सड़क पे चूड़ियां टूटी पड़ी हुई है, काफी खून पड़ा हुआ है। और जो महिला है उसकी गले पे, एक तो गले पे धारदार हथियार से हमला किया गया है जिससे उसकी मौत हुई है। उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसको जलाया गया है। वहां पर जो पॉलिथीन पड़ी थी और तेजाब वगैरह से उसको जलाया गया है। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन की, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर फील्ड यूनिट को बुलाया है और सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द खुलासा हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी के लिए।